रविंद्र सर के लिए एकदम यंगेस्ट युवा, एकदम युवा है ना, सबसे कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि, क्या बात है। जोरदार तालियां बनती, जोरदार तालियां बनती। हाँ सर, आइए आइए सर, सम्मान के लिए हम सब आपस में इस कार्यक्रम को सुंदर बनाए। सर पे इस प्रकार से किस्मत की चीज प्रेम करते हुए रविंद्र माइक को थोड़ा पास में रख के। पहली बात तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार स्टेज पे आया हूँ लाइफ में। क्या बात है, तो भाई साहब घबरा मत, कोई दिक्कत नहीं, आ जा मंच पे, आ जा। अरे तुम अपनी मन की बात बता, पूरे खुल कर सही चला थोड़ा। क्या बात है, बात तो गजब कर, पता नहीं बोलना क्या है। पहले मैंने बीएससी की थी बायोलॉजी से 2019 में, उसी के साथ मैंने एमएससी करने का सोचा बाद में, पर घर वालों ने बीएड में एडमिशन करवा दिया और साथ में कोटा ओपन से वो एमए ज्योग्राफी में एडमिशन करवा दिया। पता नहीं था कि ज्योग्राफी क्या है, शुरू में बहुत डर लगा, घर वालों ने भेज दिया जयपुर पढ़ने के लिए। पता नहीं था यहाँ से कोचिंग वोचिंग कुछ भी मुझे नहीं पता था। वो पटा ओपन की किताबें आई, उनको पढ़ा तो शुरू शुरू में लगा कि यार नहीं है समझ, वो फिजिकल वाली थी, कुछ नहीं पता था। बाद में एक दो महीने बाद वो नेट का पेपर आने वाला था, वो पेपर देखा, उसमें मेरे काफ़ी क्वेश्चन सही हुए और नेट हो गया पहली बार में। उसके बाद लगभग ज्योग्राफी से प्यार हो गया और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। साथ में बहुत दिन तैयारी करने वाले बैठे भी है, उनका नहीं हो पाया, उसका मुझे मलाल भी है, पर लगता है वो साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, वो एक ही बनेंगे, बिल्कुल सही काम नहीं है, बिल्कुल सही है। काफी लेट जुड़ा, पर अब लग रहा है कि इनका मतलब काफी भरोसा कर सकते हैं इन पे, और क्या बोलो सर। बहुत बहुत आभार रविंद्र, ये पॉजिटिविटी है, अगर पॉजिटिविटी के साथ हम तैयारी करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। प्रोफेसर में श्योर सिलेक्शन, इसलिए क्योंकि जब हमारी चर्चा होती है, बात होती है, तो जो चीजों को पकड़ने की जो इनकी ताकत है या कैपेसिटी है वो बहुत शानदार है, क्योंकि मेहनत सब लोग बराबर कर रहे हैं लेकिन राइट अप्रोच होना बहुत जरूरी है, तो इनकी बहुत अच्छी अप्रोच है।